हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एम मिनीचर। ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं बस जैसी, कुछ इस तरह से पूरा बॉक्स पैक होके आता है। रिमोट कंट्रोल है इसका, इसमें शायद इसकी बैटरी होगी, इसका चार्जर, ये बैटरी है लिपो बैटरी, ये बैटरी का चार्जर है, इसका चार्जिंग के लिए वायर, इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं वायर को, इसका हमने प्लग कर दिया है लिपो बैटरी को। आपको ये वाइट वाला पॉइंट ही डालना है, रेड वाला पॉइंट नहीं डालना वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस कुछ इस तरह से आपको इंसर्ट करना है। अभी मैंने चालू कर दिया चार्जिंग करने के लिए, ये तीनों लाइट रेड है, चार्जिंग हो जाने के बाद पूरी ग्रीन हो जाएगी, और ये रेड वायर आपको डालना नहीं है वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आइए इसके फ्रंट और रियर एक्सेल अनबॉक्स करते हैं। ये है इसकी रियर एक्सेल विथ डिफरेंशियल, और ये इसकी जो लिफ स्प्रिंग सस्पेंशन जिसको कमानी बोलते वो है, और ये आगे का एक्सेल है, स्टेयरिंग वाला है। इसमें भी लगे हुए हैं कमान पट्टे, लिप स्प्रिंग सस्पेंशन। इसका स्पेयर व्हील है, और इसका स्टैंड भी साथ में लगा है, आप देख पा रहे हैं क्वालिटी अच्छी है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये उसका ऑन ऑफ स्विच था, और ये है आपकी हमारी जेसी मोटर के, मोटर और गियर के साथ है, दो पार्ट्स में आती है जेसी। इसको हमें जॉइंट करना है, आगे वो स्टीयरिंग वाली मोटर है, और ये है उसका ड्राइव शाफ्ट जो गियर बॉक्स से पीछे से लग के आगे पीछे के जो अपना डिफरेंशियल है वहाँ पे लगेगी। अभी आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है छोटा वाला, और ये इसकी स्क्रू की कंटेनर है। ये सभी के सभी स्क्रू इसमें यूज़ हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये एक एक करके मैं सब इसमें फिट कर दूँगा, सारे स्क्रू नट बोल्ट छोटे वाले हैं ये। तो हमें ये सामने आमने सामने कर देने हैं क्रॉस में, पूरा एंड तक देखेगा फ्रेंड्स। पूरी प्रोसेस इसमें बताई है मैंने कैसे ये बस जैसी मैंने बनाई है। वीडियो थोड़ा लंबा है, 15 मिनट का है, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूले,
साथ ही में लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। इसमें टाइम लगता है क्योंकि सब छोटे छोटे जो उसके बोल्ट है तो इसे पकड़ भी नहीं पाते आप, और थोड़े इसके टाइट रहते हैं तो हाथ में से ऐसे उंगलियों में से फिसल जाते हैं। एक हो गया, ऐसे बारी बारी से हम दोनों साइड के कर देंगे सारे नट बोल्ट टाइट। एकदम ये हेवी चेसी है, आपको ऐसे दिखने में ऐसे हल्का लगेगा, बाकी हाथ में मेरे हाथ में हेवी है, बहुत हेवी लग रहा है। ये इंडियन स्केल आर्ट की चेसी है, बस चेसी। आगे शायद उसकी 1800 आरपीएम की वो जो मोटर आती है वो है डीसी मोटर। अभी आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक सारी डिटेल दूंगा। ये सब चारों के चारों स्क्रू टाइट कर देने हैं हमें, अच्छे से टाइट कर देने हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब बॉडी बनेगी तो कहीं लूज ना हो जाए, और लूज़ हो जाएगी तो आप उसको बॉडी खोलनी पड़ेगी बस की, या फिर काफ़ी तकलीफ़ वाला काम होगा। तो ये मैंने चारों के चारों लगा दिए हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। एकदम ये मजबूत हो गया है, आप इसके ऊपर पूरी ईंट रख दीजिए तो भी ये बेंड नहीं होगी। अब इसका जो पीछे का डिफरेंशियल है वो फिट करने वाला हूँ मैं, उसमें पहले से होल दिए हुए हैं तो आपको कोई ज़्यादा होल करने की या कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये दोनों होल है, अब यहाँ पे हमें ये फिट कर देना है स्क्रू, लंबा वाला स्क्रू लेके हमें ये दोनों साइड लगा देना है, इसे दोनों तरफ लगा देना है। और याद रहे ये सस्पेंशन लगा के ही ये साथ में डिफरेंशियल रखना है। अब ये आगे की एक्सेल लगाएंगे हम, आगे की भी मैंने सेम वैसे ही था वैसे ही लगा दी, जैसे पीछे था वैसे आगे ही था। इसका स्क्रू बताने जाता तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। देखिए कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाती है हमारी ये चेसी। अभी ड्राइव शाफ्ट लगा देंगे हम, इधर इसका जॉइंट है और पीछे इसका जॉइंट है, ये भी मैंने लगा दिया। इसमें एकदम छोटे वाले स्क्रू है वो हमें फिट कर देने हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये रहा और ये रहा, अभी ये पूरा लॉक हो गया। जब आप ब्रेक लगाओगे आपकी चेसी के तो लॉक हो जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा चेसी। ये अभी ये मैंने लगा दिया ये मोटर का सब सिस्टम। अभी मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ, ये चार्जिंग हो गई बैटरी तो ये निकाल लिया। अभी ये इसकी सर्किट है, ये सर्किट का जो वो तो आपको मालूम ही रहेगा कि जो ये बड़ा वाला हिस्सा है वो बैटरी के जो छोटे वाले हिस्से में इसको हमें इंसर्ट करना है। जहाँ रेड होगा वहाँ पे आपको रेड ही लगाना है, जहाँ ब्लैक होगा आपको वहाँ पे ब्लैक ही लगाना है। इसमें भी सेम ऐसा ही है,
आगे पीछे कर दोगे तो शायद शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, या फिर ये आपके जो सर्किट है वो ख़राब हो सकती है। और ये है ट्रांसमीटर, रिसीवर है जो अपना रिमोट आता है, रिमोट कंट्रोल फ्लाई स्काई का, उसका रिसीवर है। आपको दूसरे चैनल में जो ये सर्किट है उसका वही लगाना है आपको। वाइट वायर बाहर की साइड होना चाहिए और ब्लैक वायर अंदर की साइड, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये हमें दो नंबर में ही इंसर्ट करना है। ये हमारा रिमोट है पीछे, अभी इसमें पावर आने लगा है बैटरी में से। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। अभी टेस्टिंग टाइम है, ये देखिए पीछे टायर रोटेट हो रहे हैं आगे पीछे, देखिए काफ़ी तेज़ी से घूम रहे हैं टायर। अभी ये स्टेयरिंग का वायरिंग करता हूँ, इसका जो सॉकेट आता है वो उसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपको जो पिन दिख रही है वो ऊपर की साइड रखनी है, और मैं इसमें तीसरे नंबर की चैनल में इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, तीसरे नंबर की चैनल में इंसर्ट कर रहा हूँ। और ऑरेंज वायर है जो अपना ऑरेंज, वो आपको बाहर की साइड रखना है। इस रिमोट में थोड़ा ऐसा है कि इसका जो इसमें इसी में वो सॉकेट लग रहा था, तो ये ऊपर नीचे करने से स्टीयरिंग मूव होता है, तो ऐसा है। ये देख पा रहे हैं एकदम इजी है इसका वायरिंग डायग्राम, देखिए ये बैटरी, ये नीचे इसका सर्किट, उसके साथ में ऑन ऑफ का स्विच है। अब आप जब बॉडी बनाओगे इसके ऊपर तो आप अच्छे से कोई जगह बना के उसको इंसर्ट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर बॉडी बनाने वाला हूँ, काम चालू ही है, बस आप कहे तो वीडियो रख दूँ मैं। वैसे वीडियो आ ही जाएगी जल्दी से, अभी चला के दिखाता हूँ आपको। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारी जैसी चल पड़ी, देखिए कितना अच्छा काम कर रही है जैसी। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको परचेज़ करनी हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जो परचेज़ कहाँ से करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप देख पा रहे हैं एकदम ओरिजिनल जैसा ही है, एकदम छोटा सा मिनीचर जैसी, देखिए एकदम ब्यूटीफुल है। इसका जो स्पेयर व्हील है मैंने साइड में रखा हुआ है, उसको मैं जब बॉडी बनाऊंगा तो उसमें इंस्टॉल कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, ये रिमोट ये कंट्रोल देखिए चेसिस है बस के लिए। ये पूरा इसका सेट आपको है चाहिए तो जेसी मेरा का चैनल रिमोट के सब्सक्राइब साथ। कीजिए।
प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी मेरा लगी हो तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नीचे करना रेड ना बटन है भूलें। उसे मिलते क्लिक हैं कर अगली वीडियो दीजिए। में, टिल देन ये आप टाटा देख पा बाय रहे बाय हैं सी यू। फुल्ली और आरसी कंट्रोल है, रिमोट आप कंट्रोल मेरी है, वीडियो देखते रहिए, ये इसका नई अपडेट रिमोट आए जाएगी।